माशाल्लाह से एक भंड हो गया, बड़ी खतरनाक सीढ़ियाँ। खाना वाना खा लिया, जेब में डाला वॉलेट शार्ट भैया का। क्या अब हमें बर्तन धोने पड़ेंगे? तो भाई अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एनएच ब्लॉग। सो गाइस बहुत बहुत वेलकम आपको हमारे न्यू ब्लॉग में। कैसे हो सारे? हाँ फाइनली यार भाई का गला खराब हो चुका है, वो गला सही हो चुका है। कितने दिन से बोला था गला खराब, अब फाइनली गला सही हो चुका है भाई का। तो इसलिए थोड़ा बहुत रहता है, बाकी वो भी सही हो जाएगा। क्या कहते हो फिर एक हाथ कोल्ड ड्रिंक पी लें? पागल वागल हो गए, तल्ला अल्लाह करके तो सही हुआ है। तो इतनी मुश्किल से इतनी अपने आप को रोका हुआ था मैंने, 3-4 घंटों से कोल्ड ड्रिंक ना पीऊँ, सॉरी 3-4 दिन से कोल्ड ड्रिंक नहीं पीऊँ, लेकिन क्या करें जूस पी लिया। खैर अल्हम्दुलिल्लाह से गला वगैरह भाई का सही हो चुका है। तो सीन ये है कि व्लॉग अभी शुरू कर रहा हूँ रात के 8 बजे, तो इंट्रो घुमाता हूँ और बताता हूँ। यार मेरा दूसरा मोबाइल घर पर है, टाइम रात के बज रहे हैं 8 और अभी जाना है हमें ऐसे ही आउटिंग पे। ऐसे ही आपको पता ही निकलते हैं भाई यार, थोड़ा सा घर में 4-5 दिन से पड़े हुए थे, बोर हो गया था मैं, तो चलते हैं आउटिंग पर और थोड़ी देर में जाएंगे। क्या करूं यार मैं, अब थोड़ा सा वेट करते हैं भाई आ जाते हैं गाड़ी लेके, तो चलते हैं आउटिंग पे, मिलते हैं थोड़ी सी देर में। पीस आउट। तो यार काफ़ी दिन से जो है आपका भाई गया ही नहीं था कहीं आउटिंग वगैरह पर, ठीक है, तो मैंने कहा चलो बाइक पे घूम के आते हैं आगे पीछे गलियों में तो नहीं, खैर रोड पर ही जाएंगे, गलियाँ खतरनाक होती हैं। खैर चलते हैं अपनी मोटरसाइकिल पर। और ये देखो मैंने सब्सक्राइब टू एनएच व्लॉग्स लिखा हुआ है, सही है। ये यहाँ क्या कर रहा है? नहीं नहीं मैंने देखा है, ओबे भाई तेरी ऐसी की भाग गया। कोल्ड ड्रिंक आपने देख ली है, आप लोग को पता था मेरा गला खराब है, अब ठीक हो गया है इसलिए मैं पी रहा हूँ। अच्छा कहने का मकसद ये कि किसी को पता ना चले मैं, लेकिन देखते हैं ना वो कहते हैं ना कि बेटा कोई काम जोरी छुपे नहीं करना चाहिए, तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ जो मेरे ब्लॉग देख रहे हैं, मैं उन लोगों को बता रहा हूँ। अब ऐसा भी नहीं है मैं किसी को नहीं बता रहा, मैं आप लोगों को ज़रूर बता रहा हूँ। तो मैं इसको पीता हूँ, बताना नहीं किसी को, और तुम लोग बस मुँह पर जो है ना वो कर लो, अपने ताल लगा के चाबी फेंक दो, ठीक है। एहे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। अच्छा जोक्स अपार्ट, भाई से मेरी बात हुई है, उन्होंने कहा है बस थोड़ा ट्रैफिक में हूँ, असल में उनका ऑफिस भी है ना, तो आज 2-3 बंदे आए थे बेचारे इंटरव्यू के लिए, उन्होंने बोला चलो ले लेता हूँ इंटरव्यू, तो इंटरव्यू लेते हैं उनका, उसके बाद आएंगे फिर जाएंगे। मज़े की बात है हमने अभी तक खाना भी नहीं खाया, तो खाना वाना खा लेंगे कुछ, देखते हैं अभी क्या सीन है, 11 तो बज रहे हैं, लेट नाइट जाएंगे कोई मसला ही नहीं है। काफ़ी देर बाद आ गए भैया 12 बजे, तो अब तो कहीं जाएंगे घूमने, फुल मस्ती करेंगे, देखते हैं सीन। तो चलते हैं गाड़ी में और फिर चल के मिलते हैं, सनरूफ वाले शॉट भी लेने हैं, मज़ा आएगा, तो मिलते हैं थोड़ी सी देर में। पीस आउट। ये आ रहे थे भैया ने कहा गाड़ी रिवर्स करो, मैं ज़रा घर से काम करके आता हूँ, करते हैं ज़रा गाड़ी रिवर्स। मैं हो क्यों नहीं थी भाई, मैं बोलूँ ये पीछे क्यों नहीं जा रही है, एसी बंद कर दो। लो भैया का फ़ोन बज रहा है, तो हम रिवर्स करने के बाद उससे पहले कि हम मार दें वो गाड़ी को टर्न करता हूँ। भैया ने कहा था कि आ रहा हूँ, उनका फ़ोन भी बज जा रहा है, पता नहीं कौन कॉल कर रहा है अभी, तो मैं ज़रा इसको करता हूँ रिवर्स। ये क्या गिरा दिया टिश्यू बॉक्स, तो यार तू मुझे नज़र भी तो नहीं आता यार, यही मसला है, टिंटेड मिरर गिला, मिरर साइड मिरर्स का सॉरी, तो इसको करो, लेकिन है भाई कैमरा है ना, कैमरे से आसानी है। ये देखो एक और गाड़ी, चलो भाई जल्दी निकल जाए। ये देखो चाचा को देखो, बड़े टहल टहल के निकल रहे हैं। Okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. सजदे टपक लिया
चाहेगा। हालत देखे माशाल्लाह से बड़े जो है रेस्टोरेंट के सामने ये कोई रेस्टोरेंट को परवाह ही नहीं है ना। यहाँ से अभी हम गाड़ी लाए आने दे बस 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 अपने रेस्टोरेंट गटर में खोल लेते ना। स्पाइडरमैन दिल लगाने का तू ही तरीका है। रेस्टोरेंट पे आए नाम नहीं पता इसका, मेरे ख्याल शनवारी टाइप का लग रहा है भाई। जाहिर सी बात है नज़र ही नहीं आता भाई, शीशे ऐसे इतने ब्लैक है नज़र ही, और लाइट वाइट टाइट जो भी है पता नहीं कौन सा वो होना पड़ता है। तो वाइड एंगल पर स्विच कर लेना चाहिए, जहाँ की लाइट अच्छी हो उसकी वाइड एंगल पर स्विच कर लो। भैया लगा के आ रहे हैं गाड़ी, हम यहाँ बैठेंगे ऊपर खुली हवा में। वो रे भैया देते हैं ऑर्डर, अभी ऑर्डर ले आए भैया, ऑर्डर भाई ऑर्डर देते हैं, अभी चेक कर रहे हैं कि है क्या क्या यहाँ पर अच्छा सा। पर सिर्फ जो है सिर्फ तीन फैमिलीज हैं, एक हमारी एक वो और एक वो। ये है इसका मेन्यू कार्ड, खुद देख लो, रोक के एक दफ़ा देख लेना। और ये रहा, और अभी हो रहा है ऑर्डर हमारा, देखते हैं हम भी। अच्छा हम आए थे कौन सा, शाहीन शनवारी, याद आ गया नाम शाहीन शनवारी। हम इधर ऑर्डर करते हैं यार, हम खाएंगे अंडे वाला बर्गर। रेशमी पनीर लाहौरी चल गए चरका, कुछ भी तो नहीं है। अभी हम तख्त चेंज कर रहे हैं, टूटा हुआ है और बड़ा चुभ रहा है हमारी तशरीफ में। सही है माशाल्लाह से एक भंड हो गया, बड़ी खतरनाक सीढ़ियाँ। खाना वाना खा लिया, जेब में हाथ डाला, वॉलेट शार्ट भैया का, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पता चला कि दूसरी जेब में मिल तो गया लेकिन उसमें कैश नहीं है। तो वो तो शुक्र है कि जहाँ पर हम खा रहे ना यहाँ पे जो है एटीएम है यार। इधर एटीएम हुआ करता था मेरे ख्याल में, तो एटीएम तो मिल गया, चलते निकालते हैं कैश। शदीद फट रही है इस वक्त मेरी, शदीद लाग कर लाग। फिर भाई जान थोड़ा चलनी करना, जल्दी करना मेरी थोड़ी सी जो है ना, समझ रहे हो, डर लग रहा है मुझे भाई। रात के बज रहे हैं 2:30, मैं आपको टाइम भी दिखा देता हूँ। अंग्रेजी भाई हमें उर्दू वाले थोड़े से मुश्किल हो जाता है, सॉरी। दिन देखने आप लोग पेन है इसका, भाड़ में जाओ। कैसा लगा मेरा मजाक? ये क्या है भाई, रिसिप्ट। ओके भाई बगैर रिसिप्ट के कर लेंगे हम, हमें रिसिप्ट नहीं चाहिए जानी। क्या अब हमें बर्तन धोने पड़ेंगे? चलो बर्तन ही धो लेते, आप क्या करें। तो भाई सीन ये है कि अभी जो है वो यहाँ के मैनेजर साहब आए, उन्होंने कहा आप एक काम करें मेरे अकाउंट में डाल दें, मैं इनको कैश दे दूँगा। मैंने कहा ठीक है। तो मैनेजर भैया आ गए, अब हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है ज़बरदस्त। ये देखो कैसे ज़बरदस्त लग रही है लाइट, लग रही है नहीं लग रही टाइट। फाइनली बिल हमारा हो गया है, मैनेजर साहब बड़े अच्छे हैं। दब गई साइड में, तो वो देखें कितने सारे कुत्ते हैं यहाँ पे भाई साहब। और स्क्र ओए होए होए रिवर्स कर रहे हैं, रिवर्स।
आड़ दे ये देखें कितनी बैठ जाती है ये गाड़ी, इसकी सस्पेंशन अच्छे है ना यार। घर आ गया बस। ये बने सब्सक्राइब टू NH व्लॉग, जल्दी जल्दी नहीं लिखा था मैंने। तो यार इस व्लॉग को इधर ही एंड करते हैं, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही कि भाई मैं उठूं लाइट जलाऊं और जो वो फ्लैश के साथ व्लॉग की एंडिंग करूं। मैंने कहा चलो यार ऐसे ही ब्लैक स्क्रीन में ही बोल दे। तो यार आई होप आप लोग को अच्छे व्लॉग भी पसंद आएगा, पसंद आए तो वीडियो को एज यूजल आप लोगों ने लाइक करना है और चैनल पर नए हैं तो एज यूजल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन लाजमी दबाना है। सो गाइस मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। अल्लाह हाफिज़। I'm not the only one.